तमाशा की मटर गश्ती सड़क से निकल के आप पहुंची है ट्रेन में, जबकि मेरे साथ हैं दीपिका, रणबीर और इम्तियाज। हम लोग निकले हैं इस खूबसूरत जर्नी पर मटर गश्ती करने के लिए, जहाँ पे तमाशा की टीम जो है वो दिल्ली तक ट्रैवल कर रही है मुंबई से। सो स्वागत है आप सभी का। और एक मिनट विजय, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हम यहाँ पे ट्रेन में बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली हम बहुत मस्ती करने वाले हैं इंटरव्यू में, तो सारी इतनी अनकंफर्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का। सो मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये इतना वाइल्ड आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन ये आया किसके दिमाग में और कैसे? एक्चुअली हम इतने दिन से प्रमोट कर रहे हैं, तो दीपिका एक दिन जब हमारा दिन ख़त्म हो गया था, तो वो कह रही थी कि यार मैं बहुत दिनों से मैंने ट्रेन से सफ़र नहीं किया है, और क्योंकि हमें लगा कि इस फिल्म में इतना सफ़र हो रहा है, यू नो, फॉर कैरेक्टर्स के अंदर सफ़र हो रहा है। इम्तियाज़ ने हमें सफ़र करवाया, बहुत सफ़रिंग से हम गुजरे हैं, जीसस क्राइस्ट जी सफ़र किए थे, तो ये सब सफ़र को कुल मिला के हमने ये सफ़र प्लान किया जस्ट फॉर दीपिका। दीपिका, कहने की बात है कि ये एक थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब आप स्टार हो जाते हैं, तो ज़िंदगी की ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ हैं, जैसे आपने कहा कि ट्रेन में सफ़र नहीं किया है बड़े दिनों से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्टार होने का एक ही कहीं ना कहीं प्राइस पे करना पड़ता है, क्या आप इनसे वंचित रह जाते हैं सब कुछ? नो, आई थिंक हम इसलिए नहीं ट्रैवल करते, ज़्यादातर हम ट्रैवल नहीं करते क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो अगर बॉम्बे से दिल्ली अगर हमें जाना है, तो अगर हम बाई फ्लाइट जाते तो शायद एक घंटे में दो घंटे में पहुंच जाते, बट अगर ऐसे मतलब दोस्तों के साथ अगर मुझे जाना है, तो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू गो बाई ट्रेन, क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत वक्त यू नो स्पेंड करने में हम स्पेंड कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बहुत सालों से मतलब मैं गई नहीं हूँ ट्रेन पर, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, और मैं बैडमिंटन जब मैं स्टेट टीम में थी, मैं बहुत जाती थी ट्रेन में, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो मैं इस एक्सपीरियंस को मिस कर रही थी, और मैं चाहती थी कि मैं ये एक्सपीरियंस इन दोनों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू इम्तियाज। मुझे याद है हम लोग रॉकस्टार के लिए भी पूरा पंजाब घूमे थे, चंडीगढ़ गए, अमृतसर गए थे, बहुत या आई वाज देयर। किस किया था? नहीं, मुझे किसने किया था? तो मतलब बहुत व्हाट ही किस्ड एवरी खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं क्या? ही किस्ड वन गर्ल एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट। याद नहीं है कि वो लड़की कौन थी, और तब से लेकर आज तक वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये एक अगली मेरी अगली फिल्म इसी पर आधारित है कि रणबीर ने किस तो मुझे ये बताइए इम्तियाज, मतलब हम आपकी फिल्मों में भी ये चीज़ें देखते चले आ रहे हैं कि बहुत लव स्टोरीज होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंट्रिकेट कुछ प्लॉट, चाहे वो लव आजकल की बात करें या रॉकस्टार की बात करें, कहीं ना कहीं रोड की बात करें, रॉड एंड रॉक गॉट मिक्स्ड, सो कहीं ना कहीं एक इंट्रिकेसीज या कहीं ना कहीं तमाशबीन बन के चीज़ों को तमाशबीन की नज़र से देखना, ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपकी। तमाशबीन इज आर द पीपल जो तमाशे को पूरा इंजॉय करके देखते हैं उनको, नॉट ऑलवेज ऑडियंस, उसमें एक्चुअली कुछ एक सेडिस्टिक लोग भी होते हैं जिनको दूसरों का तमाशा देखने में बहुत मज़ा आता है, तो ऑल द कैटेगरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर देयर बीइंग अ तमाशबीन, बट मज़ा आता है, मतलब कहने की बात है। तो ये इतना मज़ा जो है ये मतलब रॉक स्टार के टाइम पर भी हमने किया, अब हमको ये कि तमाशा के टाइम पर भी करने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ऐसी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि आप सोचते हैं कि अलग से फिल्म को प्रमोट किया जाए जो लोगों को अलग तरह का कुछ दिखाई दे। के जवाब से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल रात इम्तियाज़ ने दीपिका और मुझसे कहा था कि आप लोग ने अभी प्रमोशन कर लिया है, जो प्रोड्यूसर आपसे चाहते थे, जो एज एक्टर्स आप चाहते थे, ये आपने कर लिया है, अभी जो अभी कुछ दिन बाकी है इस फिल्म के, इस ये फिल्म के बाद इम्तियाज़ अपने रास्ते जाएगा, दीपिका अपने रास्ते जाएगी, मैं अपने रास्ते जाऊँगा, तो ये कुछ जो चंद दिन बचे हैं, 5-6 दिन, ही वॉन्टेड अस टू इन्जॉय, यू नो, और इतना मतलब प्रमोशन हो गया, अभी कितना बात करेंगे तमाशा के बारे में। What are your feelings for Ranbir Kapoor? Right now, I just want to pinch his cheek. So cute. Oh, la, 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 la. Can I also do it? So, yes, too oh, cute, yeah. So too nice. Cute, yeah. So cute. आपका आपका question क्या था? पता नहीं, मेरा answer यही था. Actually, इस interview में हमारा सब जवाब यही होगा. हर सवाल का जवाब यही होगा. So cute.